Assalamu alaikum viewers, I hope that you are well. आज मेरा लेक्चर है सिक्स. लेक्चर सिक्स में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ. टॉपिक है फॉरेस्ट. फॉरेस्ट क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. मैंने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया, फॉरेस्ट को एक्सप्लेन किया, तो आज टॉपिक है वो फॉरेस्ट है. तो फॉरेस्ट लातिनी वर्ड फॉरेस्ट से लिया गया है. फॉरेस्ट कहते हैं कि द आउटसाइड ऑफ द विलेज बाउंड्री, यानी गांव की हदूद से बाहर. मुख्तलिफ एनजीओस और मुख्तलिफ आईजीओस ने अपनी अपनी डिफिनीशन किया हुआ है. अब मैंने जो डिफिनीशन में मैंने जो बोर्ड पे जो डिफिनीशन लिखा है, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की डिफिनीशन है. इनके मुताबिक उन्होंने तीन कंडीशन रखा हुआ है. तीन कंडीशन. सबसे पहली कंडीशन है कि फॉरेस्ट लैंड को फॉरेस्ट इस वक्त कहेंगे जब लैंड का एरिया 0.5 हेक्टर से ज़्यादा होना चाहिए. और कैनोपी कवर, कैनोपी कवर 10% से ज़्यादा होना चाहिए और ट्रीज की लेंथ 5 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए. अगर कोई लैंड ये तीनों कंडीशन फुलफिल करती है तो अकॉर्डिंग टू FAO के मुताबिक ये फॉरेस्ट है. इसकी एक जनरल डिफिनीशन भी है. हर एक चीज़ की एक जनरल डिफिनीशन होती है. जब हम जनरल डिफिनीशन करते हैं तो फॉरेस्ट के फॉरेस्ट क्या चीज़ है, तो ऐसी ज़मीन जिसमें ट्रीस हो, हर्ब्स हो, शरब्स हो, ग्रासेस हो, इस लैंड को फॉरेस्ट कहा जाता है. अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट पे आते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है. क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट की भी अपनी एक तारीफ है. फॉरेस्ट को अरेंज करते हैं, ग्रुप में तकसीम करते हैं अकॉर्डिंग टू एज की बुनियाद पर, क्लाइमेटिक एलिमेंट की बुनियाद पर, स्ट्रक्चर की बुनियाद पर, हैबिटेट की बुनियाद पर, ऑनरशिप की बुनियाद पर, रीजनरेशन की बुनियाद पर. जब हम फॉरेस्ट को अरेंज करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं. जब हम एज की ऑन द बेस ऑफ एज जब हम देखते हैं तो फॉरेस्ट को दो ग्रुपों में तकसीम किया हुआ है. एक को कहते हैं इवन फॉरेस्ट, दूसरे को कहते हैं अनइवन फॉरेस्ट. और लेक्चर नंबर 7 में मैं फर्दर मजीद ये टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट है इनको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं वो लेक्चर बनाऊँगा. उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. अगर कोई ड्रॉबैक्स रहती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि आपके जो कमेंट्स वगैरह जो आते हैं इनके ऊपर भी लेक्चर्स बनाए. और जितने भी हमारा हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इसके ऊपर फीडबैक बहुत लाजमी होती है. वस्सलाम, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय.